हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चरगा बिरयानी। लेकिन ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाहौरी चरगा बिरयानी बनाने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। यहाँ मैंने 1 kg होल चिकन लिया है और उसे फिर मैंने क्लीन किया है, वॉश किया है, और अब यहाँ पे मैं कट्स लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट्स लगा रही हूँ। यहाँ पे आप 4 से 5 कट्स लगा लें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ताकि जो भी स्पाइसेस है उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और वो डिलीशियस बने। ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनती है। अब बना के ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करना। यहाँ पे चिकन मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया है, दही में सारे स्पाइसेस डाले हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज चाहे तंदूरी मसाला डालें या फिर टिक्का मसाला, दोनों में से कोई भी एक मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आप चाहे विनेगर डालें या फिर लेमन जूस डाल दें, यह आपकी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दें। एंड सॉल्ट, स्पाइसेस, जो भी है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैंने मिक्स किया है, दही में सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स किया है, और फिर मैंने चिकन को जो मैंने क्लीन एंड कट किया था, अब मैं उसे इसमें डाल रही हूँ अपने स्पाइसेस में, और उसे अच्छे से मैरिनेट करूँगी। एक एक पीस आप देख रहे हैं मैं किस तरह से उसे मैरिनेट, अंदर से जो कट लगाए हैं उसके अंदर भी, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। और अब चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम इसे या तो पूरी रात आप रख दीजिए इसे कवर करके फ्रिज में, या फिर 4 घंटे के लिए मिनिमम रखें। और अब देख लीजिए आप, प्लास्टिक शीट से मैंने इसे रैप कर दिया है, और अब रैप करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। मैंने होल नाइट रखा था, उसके बाद सेकेंड डे मैंने इसे बनाया था, लेकिन मिनिमम 4 to 5 hours आप ज़रूर रखें, ताकि मसाले जो हैं स्पाइसेस से वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद सेकेंड डे मैंने इसे फ्राई करने से, ग्रिल करने से पहले मैं यहाँ पे देखिए थ्रेड से इसे बांध रही हूँ, ताकि पलटने में, फ्लिप करने में ईजी हो। अब थ्रेड बांधने के बाद फिर से जो मसाले थे तो उसे मैं फिर से उसके ऊपर लगा रही हूँ। एंड इसके बाद हम 15 टू 17 मिनट इसे कढ़ाई में डाल के और लो पर ही आपको कुक करना है इसे, ठीक है। मैंने 2 teaspoon सिर्फ ऑयल डाला है और उसे लो पे मैंने कवर करके वन साइड 15 टू 17 मिनट आप उसे रख दीजिए पकने के लिए। एंड फिर उसके बाद 15 टू 17 मिनट बाद मैंने इसे फिर फ्लिप किया है। फ्लिप करने के बाद, और केयरफुली इसे फ्लिप करना, वरना ये बहुत ही यू नो डेंजर भी हो सकता है, तो आप ध्यान से जलना नहीं, ध्यान से इसे फ्लिप करना, 2 spoon की हेल्प से आप करना। तो मैंने इसे फ्लिप करके फिर से मैंने सेकेंड पलट कर 15 टू 17 मिनट मैंने इसे फिर से पकने के लिए रखा है कुक कवर करके। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये कुक हो गया अच्छे से। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट, अपने स्टेप की तरफ से जाते हैं हम और बनाएंगे बिरयानी ग्रेवी। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने दी है और यहाँ मैंने ऑयल डाला है, उसमें 2 tablespoon मैंने घी डाला है, और अखे मसाले डाल के मैंने थोड़ा सा उसको 1 मिनट भूना है। फिर उसके बाद मैंने ऑनियन डाल के इसको ब्राउन करेंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, उसे मैंने अच्छे से भूना इसलिए मैंने उसकी। फिर उसके बाद हम डालेंगे टमेटो। टमेटो डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से कुक करेंगे, जब टमेटो भी अपना गल जाएगा उसके बाद हम उसमें डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट भी आप ऐड कर देना स्टार्टिंग में, ताकि ये ऑनियन एंड टमेटो जल्दी गल जाए, ये एक टिप्स होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्पाइसेस जो मैंने रखे हैं, और यहाँ पे भी सेम, आप या तो तंदूरी मसाला डालिए या फिर टिक्का मसाला डालिए, कोई भी एक मसाला आप यूज़ करिए,
दही भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए, स्पाइसेस कम ज़्यादा कर लीजिए, सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो मैंने अब यहाँ पे ऑनियन टमेटो जब मेरा गल गया है तो फिर मैंने वहाँ पे दही डाला है, बीट करके डालना एंड लो करके इसे थोड़ा 2-3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करना। जब दही भी भुन जाए फिर उसके बाद मैंने डाला है सारे स्पाइसेस। अब मैं इसे भी 2-3 मिनट अच्छे से स्पाइसेस को भी भूनूंगी। अगर आपको लगे आपका मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा 2 टेबल स्पून जैसा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि मसाला जितने अच्छे मसाले की भुनाई होगी उतना ही टेस्टी बनेगी आपकी ग्रेवी। जब ये भून जाए तो फिर ये देखिए जो हमारा हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था उसका जो बच गया था, ठीक है, उसमें से जो बच गए थे उसकी ग्रेवी, तो हमने वो चिकन मैरिनेशन का मसाला जो था अब वो डालेंगे और इसको भी डालकर हम 4 से 5 मिनट मीडियम पर भुनाई करेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि उसमें लगा हुआ था मसाला, तो इसलिए मैंने वो डाल के पानी थोड़ा सा उसको कवर करके फिर अच्छे से चलाते हुए बीच बीच में मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से इसकी मैंने भुनाई की है मीडियम पे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड उसके बाद जब आपकी मसाला भुनाई हो जाए फिर उसमें आप कोथमीर चॉप करके डाल दीजिए। एंड अगर आपको आलू बुखारा भी डालना हो तो आप वो भी डाल सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास नहीं था, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें। और मैंने राइस को यहाँ पे मैं 1/2 घंटे के लिए सोक कर दिया था, उसके बाद मैंने उसमें ऑयल, विनेगर एंड थोड़ा सा तेल डाल के, पानी डाल के मैंने उसे बॉयल कर लिया। और 90% ही आपको कुक करना है। कुक करने के बाद जो हमारी ग्रेवी है उसे स्लो कर देना है, लो पर ही करके हम उसमें अब राइस लगाएंगे, ठीक है, राइस की जो लेयर होती है वो लगाएंगे। यहाँ पे मैंने राइस को क्या क्या डाल के मैंने बॉईल किया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जब हो जाएगा राइस डाल के आपकी लेयरिंग हो जाएगी तो आप उसमें फूड कलर, यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर, रेड येलो रेड फूड कलर, कोथमीर, मिर्ची एंड पुदीना फिर यहाँ से गार्निश कर देंगे ऊपर से। और उसके बाद हम चरगा इस पे रख कर 10 मिनट के लिए दम पे, लो पे हम दम दे देंगे। 10 मिनट पहले राइस को दे देना, फिर 5 मिनट चरगा डाल के। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको दोनों साइड, ईच साइड 5 मिनट देंगे, ठीक है, एंड गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। हमारा ग्रिल रेडी हो गया। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हेल्दी वर्जन में बनाया है इसलिए मैंने कम ऑयल में ग्रिल किया है, ठीक है। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएँ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।